आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, रक्षाबंधन और कठपुतली के बेअसर होने के बाद अक्षय कुमार की चौथी फिल्म बनकर तैयार है। और देखा जाए तो नवरात्रि के पहले ही दिन फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिन्हें टीजर देखने से पहले ये लग रहा था कि टॉम हैंक्स स्टारर डिविंची कोड की तरह उन्हें अक्षय कुमार की राम सेतु में कुछ शानदार देखने को मिलेगा, तो वो बुरी तरह से निराश हो सकते हैं। अक्षय कुमार स्टारर राम सेतु का टीजर देखने के बाद एक बात तो साफ साफ समझी जा सकती है कि अब चाहे कोई फिल्मेकर हो, स्टार हो या कोई कुछ भी हो, अब सभी हिंदुत्व और उसकी चीजों को लेकर अपनी फिल्मों में भुनाने की कोशिश में लगे हैं। अब एक रेस सी बन गई है हिंदुत्व की चीजों को दिखाने की या फिर उससे रिलेटेड खोज के बारे में। जैसे अभी हाल ही में कार्तिकेय 2 आई, हम समझ सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि साउथ इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन यहाँ बॉलीवुड में ये चीजें नहीं है। जहाँ इस टाइम हिंदुत्व के बारे में सभी बात कर रहे हैं और इसीलिए बॉलीवुड भी इसकी शुरुआत धीरे धीरे करने लगा है। राम के नाम पर कोई राम सेतु बना रहे तो कोई हिंदुत्व जैसे फिल्मों के जरिए सनसनी मचाने की कोशिश में लगा है। शायद फिल्ममेकर्स को लग रहा है कि दर्शक इतने भर में उनका सिनेमा देखने के लिए भर भर कर घरों से बाहर निकल कर आएंगे, लेकिन हर बार की तरह कंटेंट बहुत मैटर करता है। देखा जाए दोस्तों तो अक्षय कुमार ने लगातार 4 फ्लॉप फिल्में दी हैं, लेकिन राम सेतु का टीजर बताता है कि ये फिल्म उस लिस्ट में शामिल नहीं होने वाली। मतलब टीजर बेहतरीन है और उसमें जो सीन्स दिखाए गए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। भले ही हमें टॉम हैंक की फिल्म द विंची कोड की तरह ये फिल्म नहीं देखने को मिलने वाली, लेकिन बॉलीवुड के हिसाब से ये फिल्म माइंड ब्लोइंग होने वाली है। मतलब ठीक है, बॉलीवुड में भले ही एक नई शुरुआत है और हमें इसका वेलकम करना चाहिए कि कम से कम अब तो चीजें धीरे धीरे बॉलीवुड में बदल रही हैं। बात करेगा टीजर की कि राम सेतु के टीजर में क्या देखने को मिला, तो टीजर में साफ देखा जा सकता है कि राम सेतु फिल्म में राम सेतु की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा देखा जाए तो श्रीलंका की अंदरूनी दिक्कतों से लेकर मिडल ईस्ट में इस्लामिक आतंकवाद तक का तड़का जरूर लगाया गया। वेल, टीजर की शुरुआत से ही पता चलता है कि राम सेतु के अस्तित्व पर खतरा है। सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है और उसे बचाने के लिए अक्षय कुमार और उनकी टीम राम सेतु को बचाने के मिशन पर नजर आती है। हालांकि राम सेतु पर खतरा किस तरह का है, किससे है, ये पता भी नहीं चल पाता। छोटे से टीजर में बहुत ज्यादा एक्शन हमें देखने को मिलता है, भागम भाग देखने को मिलती है और कह सकते हैं कि टीजर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके पीछे छिपी हुई है। हम गेस करें कि टीजर में क्या है, तो अक्षय टीम भागती रहती है और शायद मिडल ईस्ट से श्रीलंका में जाफना तक की चीजें एक एक कर नजर आती है। वेल, मैं अपनी बात करूं तो ये जब फिल्म अनाउंस हुई थी, जब मैंने पोस्टर्स देखे थे, तो मुझे नहीं लगा था कि ये फिल्म इतनी खास होने वाली है या इसका टीजर इतना मतलब रोमांचक होगा। फिल्म का टीजर सच में माइंड ब्लोइंग था। हालांकि जब मैं टीजर देख रहा था तो मैंने एक फिल्म देखी थी, इसी तरह की एक फिल्म थी जो 2006 में आई थी, टॉम हैंक की थी। उसमें क्या था कि ईसा मसीह से जुड़े एक रहस्य को वो सुलझाने की कोशिश में लगे हुए थे। फिल्म की कहानी थ्रिल से भरी हुई थी और इतनी जबरदस्त थी कि इसे दुनिया भर में जमकर देखा गया था। कह सकते हैं ओवरऑल की फिल्म ने बहुत तारीफें बटोरी थी, मगर अब राम सेतु का टीजर देखने के बाद लग रहा है कि ये बॉलीवुड के लिए एक बेंचमार्क हो सकती है। राम सेतु की कहानी बहुत अलग है और कह सकते हैं कि इसमें भी बहुत ज्यादा थ्रिल हमें देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ लोगों को फिल्म का टीजर पसंद नहीं आया, हो सकता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आए तो चीजें और बेहतर दिखे। एक और रिक्वेस्ट होगी कि इसमें फिर से कहीं लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली चीजें ना हो। बस दोस्तों, आप लोगों ने तो टीजर देख लिया होगा, आपको कैसा लगा था टीजर और क्या आपको भी लगता है कि ये फिल्म बहुत ही थ्रिल से भरी होने वाली है और बॉलीवुड के लिए बेंचमार्क साबित हो सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।